नमस्कार, आप देख रहे हैं मैनपुरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानिया ठाकुर। मैनपुरी के कुर्रा थाना क्षेत्र के नकला वासक के समीप बह रही एक नहर में युवक का शव मिलने पर एक सनसनी सी फैल गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त होने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। देखिए हमारे संवाददाता सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। दरअसल पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज से जुड़ा है। मोहल्ला लवकुश नगर निवासी अनिल कुमार सक्सेना ने बताया कि उसके छोटे भाई की शादी जनपद हाथरस के थाना सिकंदरा राव के ग्राम अक्सौली से हुई थी। वह अपनी पत्नी कुंती को बुलाने के लिए 17 जनवरी को गया हुआ था, तब से उसका कोई भी सुराग नहीं लग रहा है। उसके द्वारा काफी तलाश करने पर जब ससुराल पहुंचा तो पता चला कि ससुराली जन घर से फरार हैं। जानकारी मिली पंकज की पत्नी अपनी प्रेमी सोनू के साथ मिलकर उसकी हत्या कर चुकी हैं और फरार हो गई हैं। कुंती शादी से पूर्व अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट मैनपुरी। हमारा भाई 17 तारीख को अपनी वाइफ को बुलाने गया ससुराल। वो हमारा भाई अलग रहता है। हमको जो 4 दिन पहले पता लगा, 27 तारीख को पता लगा, हमें 26-27 तारीख को कि वो ससुराल गया है। पता लगा कि वो आया नहीं है, तो हम देखने गए ससुराल का कोई भी लोग वहाँ पर नहीं पाया। घर पर सारे ताले लगे हुए, मोहनपुरा भी अक्सौली भी सारे लोग फरार, उसकी वाइफ भी फरार। फिर हमने ढूंढना खगोलना चालू किया, वो हमें नहीं मिला। फिर जो है कल 29 तारीख को ये कुर्रा थाने से फ़ोन पहुँचा एसओ साहब का कि आपके भाई की हत्या हो चुकी है, मर्डर हुआ है और नहर में डेड बॉडी पाई है, आप आ जाओ। तो हम वहाँ से चले कुर्रा थाने पहुँचे। कुर्रा थाने पहुँच कर उन्होंने हमारे लिए एक पर्स दिया जिसमें हमारे भाई का DL जिससे शनाख्त हुई, वो DL हमें दिया, पर्स दिया। इसके ससुरालियों ने और इसकी वाइफ ने हत्या कराई है। उसकी वाइफ जो है दूसरे लड़के से लगी हुई है। कब हुई थी आपके भाई की शादी? भाई की 28 फरवरी को 2017 जिस ससुराल अक्सौली। कहाँ पड़ता है? सिकंदरा राव थाने में, जिला आतरस। कितने दिन पहले? जी 17 तारीख को घर से गया है। क्या हुआ, कैसे गया, भूल गया आपका भाई? 17 तारीख को बुलाने गए थे वो अपनी वाइफ को। हम मेरे बड़े भाई को किसी को कुछ नहीं पता था ये कहाँ गया है, क्योंकि ये अलग रहता था। तो इनके बच्चे गए थे कि चाचा के यहाँ देख के आते हैं, तो वहाँ ताला लगा मिला। फिर उसके बाद वहाँ उनके जो पड़ोसी हैं उनसे पता चला कि वो अपनी वाइफ को लेने गए हैं, तो इन्होंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ किसी का फ़ोन नंबर नहीं लगा। फिर यहाँ से भैया गए थे, तो वहाँ भैया गए तो वहाँ देखा वहाँ से सारे ससुराल वाले फरार थे। फिर इंक्वायरी की तो पता चला कि यहाँ से 17 तारीख को आए थे और इसके बाद उसका कोई पता नहीं है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि प्रेमी के तो गांव का है, प्रेमी गांव का रहने वाला है। वो अक्सौली के पास माधवी, अक्सौली स्टेशन के पास में माधवी गांव है, वहां का है सोनू। क्या नाम है? सोनू यादव। उसकी माँ ने बताया था मेरी लड़की ऐसे एक बार पहले चली गई, हमको कुछ दिन पहले पता चला। हाँ, एक बार और पहले पढ़ते थे वो? नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे को साथ पढ़ते थे क्या था, लेकिन इसका पहले से उसका अवैध संबंध थे। उन्होंने मिलके उसकी हत्या करवाई। इसमें डेड बॉडी, ये कुर्रा गांव है ना, इसकी यहाँ नदी है, यहाँ पर इसमें मिली थी। कितने दिन बाद? अब ये 15-18 दिन पहले पता चली है डेड बॉडी। कल बहुत खराब हो चुकी है। ये मृतक पंकज सक्सेना है जो कासगंज का रहने वाला है। 17 जनवरी को अपनी ससुराल गया हुआ था सिकंदरा अक्सौली में, वहाँ से ये लौट के नहीं आया। इनके परिजनदार अपने थाना कासगंज में भी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रयास किया गया, वहाँ पर तही दी गई और उन्हें बताया गया कि SP साहब को भी दिया गया था, उसमें अब तक कोई कार्रवाई होना नहीं बता रहे हैं। कल इसकी बॉडी मिली है यहाँ नहर में, इसमें शनाख्त हो गई उसकी, आज उसकी पंचायत कराई जा रही है और अग्रिम बयान कार्रवाई हम करेंगे।